नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल। कन्या राशि वालों, मार्च 2020 ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने में ढेर सारे ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक तो शनिदेव अपने खुद की राशि मकर राशि में 30 सालों के बाद आए हुए हैं और वो बहुत बड़ा एक्सस नामक महायोग बना रहे हैं। ये पंच महापुरुष योग में भी शामिल है। सस नामक महा राजयोग अगर जिनकी कुंडली में बन जाए फिर तो उनकी किस्मत ही चमका देते हैं शनिदेव। दूसरी बात, यहाँ पर धनु राशि पर गुरुदेव यानी कि बृहस्पति अभी विचरण कर रहे हैं और 29 मार्च को वो अपने नीच की राशि में चले जाएंगे और सूर्यदेव अभी कुंभ राशि में 14 मार्च के यानी कि रात में आपको चले जाएंगे मीन राशि में। तो यहाँ पर राहु केतु भी है, तो ऐसे में बहुत सारे ग्रहों के शुभ बैठ जाने पर यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक तो इस महीने में आपके जो राशि के स्वामी बुध है यानी कि कन्या राशि के स्वामी जो बुध है वो कुंभ में वक्री है, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको। आपके थोड़ी सी भाग्य में कहीं ना कहीं जो कार्य करेंगे उसमें आप एक कार्य करते करते यानी कि अच्छा परिणाम आते आते कहीं ना कहीं आपसे चूक हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपका भाग्योदय बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, समय का सदुपयोग बिल्कुल आपको करना है। देखिए, आपके भाग्य खुलने वाले हैं, आपकी कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं और बस ये समझ लें कि ये योजना आपके धरातल पर उतरेगी भी और आपके नाम का डंका भी बजेगा, क्योंकि यहाँ पर हर हाल में आप विजयी साबित होंगे और जो भी कार्य करेंगे सोच समझ कर करें, आगे बढ़ें। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, हो सकता है विदेश जाने का भी विचार करें। इस समय आपकी जो मेहनत है वो एक अच्छा परिणाम लाएगा और ध्यान देने की बात है कि आपको 20 मार्च के बाद आप कहीं बाहर यानी कि अपने कम से कम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप जो विदेशों में जैसे आप किसी फिल्मी ग्लैमर या संगीत के मामले में या व्यवसाय के मामले में बाहर जा सकते हैं, वैसे तो अभी आपका व्यवसाय जो है आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों से संबंधित, ब्यूटी पार्लर से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, आप संगीत ग्लैमर इनसे संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर इस समय आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये महीना आपके जीवन के चार चांद लगाने वाला है। साथ ही आपको मार्च में आप वाहन की भी खरीदारी करने का विचार बना रहे हैं, योग बन रहा है जिसके कारण आपको सस नामक योग बनने कारण आपको वाहन यानी कि शनिदेव जो बना रहे हैं सस नामक एक राजयोग उसके कारण आपको एक वाहन के यहाँ पर योग बन रहा है खरीदने का, तो आप विचार बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं। इस माह में आपके कष्ट भी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं इस माह, जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल रखना ही रखना है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथी का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा और उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। और आपको पूरे महीने में विष्णु सहस्त्र स्त्रोत का पाठ जरूर करना है और बुधवार के दिन गाय को हरा यानी कि आपको चारा खिलाना है। ध्यान रखें वो हरा रहे, सूखने ना पाए, वही खिलाना है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय शनिदेव।